नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के मजदूरों ने अपने राज्य वापस आने के लिए लगाई गुहार। यह सारे मजदूर गोवा में फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि यह अपने राज्य पैदल ही निकल गए थे, लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर से इनको लौटा दिया गया और यह अपने राज्य पहुंच नहीं पाए। यह लोग अपने राज्य लौटना चाहते हैं, इसलिए यह लोग मीडिया के जरिए अपने जिले के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मगर यहाँ का सरकार सुन नहीं रही, कोई व्यवस्था हम लोग का कोई हेल्प करने वाला नहीं है सर। बस हम लोग का एक ही मांग है सर, हम लोग को किसी भी तरीके से बहुत समस्या में है, बहुत प्रॉब्लम में है सर। हम लोग पैदल भी जाने को कोशिश किया, मगर हम लोग को कोई किसी ने जाने नहीं दिया। प्रशासन फिर वापस ला के यहाँ छोड़ दिया। हम लोग घर जाना चाहते हैं, बस हम लोग का एक ही इच्छा है कि हम लोग सभी को घर हो। आप लोग लगभग कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे कम से कम 40-50 लोग। समस्या, आप लोग कैसे कैसे कहाँ ट्रेवल किए थे पैदल? सर हम लोग यहाँ से पैदल हम लोग गए थे सर, साकली तक पैदल चले गए थे सर, कर्नाटक बॉर्डर तक। हाँ। वहाँ से फिर प्रशासन पुलिस ने हम लोग को अपनी गाड़ी में बैठा के फिर वापस यहाँ छोड़ दिया। बोला आप लोग को व्यवस्था दिया जा रहा है, आप लोग को जाने का इंतजाम किया जा रहा है, मगर हम लोग को 2 महीने हो गया सर, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है अभी तक। इस समय हम लोग घर जाने, तो अभी क्या आगे का सोच रहे हैं? अभी सर हम लोग घर जाने की इच्छा है सर, और कुछ भी। सभी लोग को घर जाना है? काम नहीं करेगा सर, घर जाने के सिवा हम लोग के पास। लेकिन हम लोग खेती बाड़ी का भी समय आ गया। हम लोग यूपी सोनभद्र जिला के रहने वाले हैं, और सोनभद्र के कम से कम 30-40 बंदे हैं, और 10-15 बंदे हैं बिहार के सर, कैमूर जिला के। कैमूर जिला के अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए। हम लोग कम से कम 10 आदमी हैं बिहार कैमूर डिस्ट्रिक्ट से, और हम सब लोग जाना चाहते हैं, मतलब सभी लोग घर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से सतीश कुमार चौहान की रिपोर्ट।